हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप सभी का हालचाल अच्छा होगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपके क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत ही देखने को मिलते हैं। देखिए, इसमें अरिस्टोटल जो आपके साइंटिस्ट थे उनके बारे में जिक्र किया गया है, तो इनके बारे में चलिए जानते हैं अरिस्टोटल क्या थे। तो अरिस्टोटल के बारे में मैं आपको बता दूँ कि अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प मोर साइंटिफिक बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बहुत पहले से अटैम्प किए थे क्या चीज़, मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, ही क्लासीफाइड प्लांट टू ट्रीज सॉब्स हर्ब्स एंड एनिमल इन टू टू ग्रुप्स। देखिए, ये जो थे ना, ये प्लांट्स को तीन कैटेगरी में बांटे थे, नंबर वन दैट इज ट्री, और सॉब्स हर्ब्स तीन कैटेगरी, यानी कि सर्व्स हर्ब्स एंड ट्री। ये आप जब आप प्राइमरी स्कूल में भी होते हैं उस वक्त भी पढ़ाया जाता है आपको अच्छे से डिटेल में। और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एनिमल, तो एनिमल को ये क्या किए थे, एनिमल को टू ग्रुप में कैटेगराइज करे थे। पहला नंबर किस बेसिस पे, रेड ब्लड सेल के आधार पे और विदाउट रेड ब्लड सेल के आधार पे, यानी कि जिनमें रेड ब्लड सेल पाया जाता था उनके आधार पे, और बिना रेड ब्लड जिसमें नहीं पाया जाता था उसके आधार पे। तो एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, रेड ब्लड और नॉन रेड ब्लड के बेसिस पे। तो रेड ब्लड में कौन कौन सा आया, मैमल्स, लिजार्ड, बर्ड्स एंड फिशेस। एंड नेक्स्ट आपका है हार्ड बॉडी और सॉफ्ट बॉडी, जैसे कि हार्ड बॉडी में आपका कौन हो जाएगा, इंसेक्ट हो गया, एंड आपका सॉफ्ट बॉडी में सेल हो गया, सेल फिश हो गया, एंड नो सेल्स, और फिर जेली फिश, ये सब क्या हो गया, नो ब्लड रेड सेल में। इसके लिए एक टर्म भी यूज़ किया जाता है, आपका रेड ब्लड सेल के लिए आपका क्या हो जाएगा, इनेमिया, इनेमिया मिया, और फिर आपका अनेमिया। नो रेड ब्लड सेल वाले जो होते हैं आपका उसका क्या बोलते हैं, अनेमिया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक बार अच्छा से मैं लिख देता हूँ, इसको जूम कर लेते हैं। हाँ चलिए, देखिए, जिसमें रेड ब्लड पाया जाता था उसे क्या बोलते थे, ई एन आई एम ए, ठीक है, और जिसमें नहीं पाया जाता था उसे क्या बोलते थे, एनेमिया बोलते थे, क्या बोला जाता है। ठीक है, ये आपका दो टर्म है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलिए आगे स्लाइड पे मूव करते हैं। अब देखिए, टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जिक्र किया गया है इसमें। तो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, आपके कार्ल लिनाइस के द्वारा, कौन से ईयर में, 1758 में, 1758 में टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया किसके द्वारा, कार्ल लिनाइस के द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, दिस सिस्टम क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम दैट इज प्लांटे एंड एनिमिलिया, इसको दो कैटेगरी में बांटता था, दैट इज की प्लांटे और एनिमिलिया आपके, ठीक है, इसको क्लियर हो गया। ऑर्गेनिजम्स को कौन कौन कैटेगरी में बांटा, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपका क्या कह रहा है, ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो इसका ड्रॉबैक था, देखिए इसमें क्या है, कह रहा है प्रोकैरियोट्स दैट इज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स, फंजाई, मोसेस, फॉर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म वे आर इंक्लूडेड अंडर प्लांट, जिसको क्या करा गया, इंक्लूड किया गया प्लांट के अंडर में, बट बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल वाल, किसके बेसिस पे, सेल वाल के बेसिस पे, बट दे आर वाइडली डिफर्ड इन टू अदर फीचर। देखिए, लेकिन ये क्या करते हैं, डिफर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं आपको। इट इंक्लूड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, इसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है ऑर्गेनिजम्स इन द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप में दोनों चीज़ पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी। दैट इज एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि क्लाइडोमोनास हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, वेयर प्लेस्ड अंडर एल्गी, इसे क्या करा गया है, एल्गी के फैमिली में रखा गया है। एक्चुअली मेरे को सर्दी हो गया है यार, क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, इट डिडंट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेटरोट्रॉफिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट, फंजाई हैव काइटेनियस सेल वाल वाइल ग्रीन प्लांट्स हैव अ सेल्युलोसिक सेल वाल, ये सब आपका क्या रहा, ड्रॉबैक रहा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया, आर एस विटेकर के द्वारा 1969 में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है भाई, कि कौन सा किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया और कौन से ईयर में दिया गया, इसको याद कर लिया तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भाई आप समझ ही सकते हैं क्या होने वाला है। इट इंक्लूड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमिलिया, फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में किसको किसको इंक्लूड करा गया है, नंबर वन इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमिलिया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर के आधार पे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के आधार पे क्या करा गया था, इसे बांटा गया था। यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमिलिया। नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ये देखिए आपके एनसीईआरटी में एज पर एज स्लाइड आपको दिया गया है, पूरा एग्जैक्ट ऐसे ही स्लाइड दिया हुआ है, और आप लोग उसे जाकर के पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग को रिवीजन करा देते हैं। देखिए, सेल टाइप के आधार पे देखा जाए तो मोनेरा में
मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटेन एनिमलिया में देखिए, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, फंजाई में यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो बस यहाँ पे याद कर रखना है कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी जितने भी हैं आपके प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटेन एनिमलिया इनमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। नेक्स्ट जो आपका है सेल वाल के बेसिस पे, तो सेल वाल के बेसिस पे देखते हैं क्या है, नॉन सेलुलोसिक दैट इज पॉलीसेक्राइड प्लस में एमिनो एसिड। देखिए जो नॉन सेलुलोसिक वाल होते हैं उसमें क्या होता है, पॉलीसेक्राइड होता है एंड एमिनो एसिड होता है। और प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रेजेंट इन सम, कुछ कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ कुछ में नहीं होता है। फंजाई में देखें तो काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड का बना होता है, जो सेल वाल होता है काइटिन का बना होता है और पॉलीसेक्राइड का, ठीक है। और आपका प्लांटे में तो ये भाई सेलुलोज का बना होता है सेल वाल, ये तो सबको पता होता है। एनिमलिया में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है। इसका ट्रिक अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको बताएं और अच्छा से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस पे आप देखेंगे तो मोनेरा में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट रहता है, प्लांटे में प्रेजेंट, और फिर आपका जो एनिमिलिया है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो आपका प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटे एंड एनिमिलिया में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, बट मोनेरा में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, दो चीज़ अभी तक पकड़े हैं आप, देखिए मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होता है और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, लेकिन सब में प्रेजेंट होता है और इसमें यूकैरियोटिक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो मोनेरा में सेलुलर होता है, प्रोटिस्टा में सेलुलर, और फंजाई में मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका है टिश्यू ऑर्गन, किसमें, प्लांटे में, और एनिमिलिया में क्या है आपका, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। इसके बारे में अच्छा से जिक्र करे हुए हैं, जैसे कि टिशू से फिर ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, सेल से सेल बना, सेल से वही चीज़ है, समझो आप। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप पोषण के आधार पर देखें, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसमें आपका ऑटोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। इसको अच्छा से याद करिएगा, नहीं तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या चीज़, चलिए, हाँ देखिए, वायरस जो होते हैं ना, वायरस हैव नॉट इंक्लूड इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो वायरस है उसे फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। और अब नेक्स्ट जो है आपका किंगडम मोनेरा है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, किंगडम मोनेरा के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको बताऊँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और कहीं ना कहीं हमें भी जानकारी हो, ठीक है। और मिलते हैं, तब तक आप लोग जो आपका क्लासिफिकेशन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, टू किंगडम, थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम, जितना भी क्लासिफिकेशन है उनके साइंटिस्ट और कौन सा ईयर में वो डिस्कवर किए थे, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छा से स्टडी कर लीजिएगा। और कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जैसे हाँ एक चीज़ यहाँ पे अगर फर्स्ट स्लाइड में आप आएंगे तो अरिस्टोटल के बारे में देखिए, अरिस्टोटल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ, हम बताए नहीं आपको, फादर ऑफ बायोलॉजी। और ये क्या है, तो आपको समझ में आ गया, फिर इसमें क्या ही बता दें आपको, चलिए बाकी का चीज़ और अगले वीडियो